वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुरानी साड़ी को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पुरानी साड़ी से गाउन बनाऊँगी। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ बेसिक बॉडीज ब्लॉग शेयर किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। साथ ही मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक बॉडीज ब्लॉग कैसे बनाते हैं। आज हम इसी बेसिक बॉडीज ब्लॉग के हेल्प से एक टॉप बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो डॉट का निशान था इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया इसको। अब हम सबसे पहले हम अस्तर, जो अंदर इनर लगेगा अस्तर, उसको हम कट करेंगे इस पैटर्न पर रख के। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। हमें इसमें मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पैटर्न में ही मार्जिन लेकर के कट किया था पैटर्न, तो हमें अभी मार्जिन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पैटर्न, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों एक ही में बनाया था, तो इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर लूँगी ताकि मुझे पैटर्न को कट करने में, ड्राफ्टिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसे कट कर लूँगी बीच में से। पहले हम फ्रंट का हिस्सा कट करेंगे, देन उसके बाद बैक का। तो ये फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट है, इसको मैं यहाँ रखूँगी ऐसे, और इसको फिर इसकी हम मार्किंग कर देंगे। इसकी हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर देंगे। सेम कोई इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम टू सेम पैटर्न को रख करके मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसे काट लेंगे। ये हमने अपना फ्रंट का हिस्सा पे मार्किंग कर ली है, अब हम इसे कट करेंगे। सेम इसी पैटर्न को रख करके हम इसी फैब्रिक पैटर्न को रख करके हम मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। ये तो हमारा लाइनिंग है, हमें लाइनिंग की कपड़े को अभी हम कट कर रहे हैं। ऐसे हमने कट कर लेना है इसको। ये हमारा फ्रंट पैटर्न तैयार है हमारा। अब हम इसी कपड़े को रख करके बैक तैयार करेंगे। सेम
अब हम इसको रख के ऐसे ही सेम टू सेम कट कर लेंगे। ये हमारा बैग भी कट के तैयार है। इस डार्ट के निशान को हम बाद में कट करेंगे जब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे, तब हम डार्ट के फैब्रिक सॉरी डार्ट को भी कट करेंगे। तो हम अपना मेन फैब्रिक अब कट करते हैं। ये हमने जॉर्जेट का कपड़ा लिया है टॉप के लिए, और हमने इसको लाइनिंग जो कट की थी इसको हम ऐसे रख देंगे अच्छे से। जॉर्जेट है तो थोड़ा ये थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको कट करने में, इसको हम बहुत सावधानी से कट करेंगे, बहुत ही ध्यान रख के कट करना होगा। अगर आपसे ऐसे कटना हो मतलब कट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी, तो आप इसमें ये जो पिन आते हैं फैब्रिक पिन, इससे इसको ये कर दी पिन से इसको पहले ऐसे कर दीजिए पिन से। इससे क्या होगा कि आपका फैब्रिक जो है वो अच्छे से कटिंग करते समय डिस्टर्ब नहीं हो करेगा, आपको इधर उधर नहीं भागेगा, और आप बहुत आसानी से इसको कट कर सकेंगे, कटिंग में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। इसको हम ऐसे करके इसे चारों तरफ में हम पिन लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर सारा पिन अप कर दिया है इसको, अब मैं कट कर अभी अब हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस फैब्रिक को कट करके दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, अब हम डार्ट को जो ये डार्ट का निशान था इसको भी हम कट कर लेंगे। अब आई एम रियली सॉरी बट डार्ट मैं भूल गई थी, बट ये डार्ट का निशान हम कट नहीं करेंगे, इसको तो हमें ऐसे मोड़ करके स्टिचिंग करनी होगी। अब हम इसका फ्रंट का हिस्सा तैयार करेंगे इसी तरीके से। ये मैंने बैग के भी फैब्रिक को पिन अप कर लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने बैग का भी हिस्सा कट कर लिया है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले मैं इसका कॉलर काटूंगी, क्योंकि ये मेरा कॉलर वाला टॉप है और स्लीव्स बनाएंगे हम इसकी। कॉलर के लिए मैं लूँगी ये पहले पैटर्न लाइनिंग दी सॉरी, और फिर मुझे चाहिए दो इंच की कॉलर चाहिए, तो इसलिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ताकि 1/2 इंच तो हमारा फिटिंग में ही जाएगा, तो इसलिए 1.5 ये लगाया हमने निशान 1.5 इंच, और लंबाई इसकी चाहिए मुझे 10 इंच, तो 10 = 11 पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच जाएगा ये,
उसको स्ट्रेट लाइन क्लिक खींची हमने। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने कॉलर भी कट कर लिया। अब हम बाजू कट करेंगे। मुझे ये स्लीव्स अम्ब्रेला कट में बनाना है, अम्ब्रेला लुक में। तो उसके लिए मुझे मैंने इस कपड़े को फोर फोल्ड किया। चार बार फोल्ड करने के बाद मेरा आर्म होल था 16, तो मैं लूँगी इसको 4.5। साढ़े चार लूँगी ताकि मुझे मार्जिन के लिए भी कपड़ा मिल जाए। तो मैंने ये 4.5 पे निशान लगाया। 4.5 पे हमने निशान लगाया ये। अब इसको यहाँ रख करके बीच में रख करके हम इसे मोड़ते जाएंगे और 4.5 पे ऐसे ही 4.5 करके राउंड में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद 4.5 फिर 4.5 ऐसे ही हम निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी दूरी देखते हैं। ये 5.5 है, मतलब पाइपिंग है पीको करके ये 5 आ जाएगा। लेकिन मैं 5 मुझे 5 इंच चाहिए, मुझे 4.5 चाहिए, तो इसलिए मैं 5 पे निशान लगाऊंगी। 5 से थोड़ा सा कम पे, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये जॉर्जेट का फैब्रिक होने की वजह से ये बहुत इधर उधर भाग रहा है। इसी तरह आप इस गोलाई पर रख करके, ये जो सेकंड वाली हमने 4.5 की गोलाई बनाई थी, इस पर रख करके आप इस पर 5 की गोलाई बनाएंगे, 5 इंचेस की। 5 5 फिर यहाँ रखा हमने, फिर 5 ऐसे कर करके इस तरीके से पूरी गोलाई वाली शेप आ जाएगी। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। कट करने से पहले मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक को पिन अप कर लिया है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और मुझे दिक्कत ना हो कट करने में। तो पहले हम ये बड़ा वाला हिस्सा इसका कट करेंगे। इसी तरह 5 इंच का आप गोलाई में निशान लगाएंगे और ऐसे होगा ये। तो इसको हम ऐसे कट किए, और अब ये छोटे वाला, ये हमारा 4.5 इंच का राउंड है, सर्कल है। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे लुक में आएगा, लुक लाइक स्कर्ट टाइप। ये अब दोनों में जॉइंट होगा, थोड़े से फ्रिल्स आएंगे इसके ऊपर। फिर ये 4.5 का राउंडेड गोला। अब इसी तरह हम दूसरा भी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। ये मेरा पूरा पैटर्न तैयार है, स्लीव्स,
कॉलर, फ्रंट एंड बैक, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग भी सेम तरीके से होगी, इसको ओपन करके फिर ये सारा एक साथ सिलेंगे, इसको भी। तो मैं इन सबको अटैच करके दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पर पिनअप कर दिया अपने टॉप को, सेम इसी तरह स्टिच होगा। और इसके जो ये डार्ट्स हैं, इसको भी पिनअप कर रखा है यहाँ पर, सेम इसी तरह स्टिच होगा ये डार्ट भी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसी तरह मैंने सेकंड पार्ट को भी पिनअप कर रखा है। अब मैं इसे आपको सेम टू सेम स्टिच करके दिखाती हूँ। सेम टू सेम इसी तरीके से जैसा हमने पिनअप किया था, हमने ये दोनों फ्रंट एंड बैक को स्टिच कर लिया है। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। अब हम कॉलर करेंगे, कॉलर को स्टिच करेंगे इससे। लेकिन इससे पहले हम ये पेस्टिंग पेपर है, इस पेस्टिंग पेपर, इस कॉलर के नाप का पेस्टिंग पेपर कट करेंगे, उसके बाद कॉलर को स्टिच करेंगे। ये पेस्टिंग पेपर मैंने कट कर लिया इसके नाप का, इसके ऊपर रख कर के ये। अब पेस्टिंग पेपर को इसके साथ हम पेस्ट करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर दी है। इसकी चारों तरफ हमने स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पिन से पिनअप करेंगे, उसको पिनअप करेंगे। तिरछे में करेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग जो है तिरछे में करनी है। इसको पिनअप उसी शेप में किया मैंने जिस शेप में मुझे कॉलर को स्टिच करना है। हम इसको बैक साइड करके इसको फोल्ड कर, हमने फोल्ड किया, फिर इसको अब हम स्टिच करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। चलिए, अब इसे स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने स्टिच कर दिया इसको तिरछा, ये हमने तिरछा स्टिच किया। फिर इसको हम सीधा करेंगे ऐसे। इस तरीके से। और फिर इसको फ्रंट एंड बैक इस तरीके से स्टिच करेंगे अपने टॉप में, इस तरह रख के। मैं फ्रंट वाले हिस्से को बीच से कट कर रही हूँ, कट करूँगी क्योंकि मुझे इसमें पाइपिंग लगानी है नेक के यहाँ पर। जो मैं कट कर रही हूँ हिस्सा, यहाँ पर मुझे पाइपिंग लगानी है, इसलिए मैं इसे कट करूँगी। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। ये हमने फ्रंट को हमने कट कर लिया बीच से। ये जो हमारा कॉलर है, इसके यहाँ पर एक स्टिच चलेगी, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे
ताकि ये कॉलर सेट हो जाए। और फिर यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको फ्रंट और बैक जो ये हमारा बैक हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट है, इसको एक यहाँ पर जब एक सिलाई हम चला लेंगे तो इसके बाद हम इसके साथ इसको सेट करेंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से सिलाई होगी इसकी, इस तरीके से। मैं इसको पिन अप करके दिखाती हूँ आपको कि ये कॉलर हम कैसे अटैच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टिचिंग के टाइम पे। इतना हिस्सा जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा, ये फ्रंट में अटैच होंगे ये दोनों हिस्से, ये आपके फ्रंट का है और बाकी ये जो 1/3 पार्ट है ये बैक पे स्टिच होंगे। तो अब हम इसे स्टिच करके मैं आपको ये पूरी टॉप दिखाती हूँ। ये हमने सारा स्टिच कर लिया, ये नेक लगा लिया, पाइपिंग स्ट्रेट पाइपिंग लगाई है मैंने और इसके नीचे एक फैब्रिक डाल के ये इसको जॉइन किया है। इतनी बड़ी नेक होगी मेरी। अब स्लीव्स लगाएंगे हम इसकी, इधर स्लीव्स लगाएंगे। तो मैं आपको पिन अप करके, ये हमारी स्लीव्स है, अब मैं आपको पिन अप करके स्लीव्स को दिखाती हूँ कैसे स्टिच करनी है। स्लीव्स लगाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो पिन अप कर लेंगे ताकि ये दोनों स्लीव्स आपस में अटैच हो जाएं। फिर हम इस स्लीव्स को फोर फोल्ड करके सेकंड फोल्ड करके ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे मोड़ेंगे इसको, तो ये हमारा सेकंड फोल्ड हो जाएगा। और इसको बराबर करके यहाँ पर कट के निशान लगा लेंगे ऐसे। और अब हम ये जो हमने कट किया था इसको यहाँ से इसके फ्रंट से लेंगे ऐसे, और इसको पिन अप करेंगे। प्लीट्स भी डलेंगी इसके अंदर। जॉर्जेट का कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ऐसे करेंगे और ये जो हमारा सेकंड कट था, ये दूसरा जो कट है ये, इसको हम लास्ट वाले में अटैच करेंगे यहाँ पर। अब इसमें ये दोनों अटैच करने के बाद यहाँ पर हम फ्रिल आएगा, इस तरीके से फ्रिल बनाते जाएंगे। प्लीट्स दे सकते हैं या फ्रिल ऐसी बना सकते हैं गैदरिंग करके। मैं यहाँ पर प्लीट्स दे रही हूँ, प्लीट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा दूरी पे ना देके थोड़ी थोड़ी दूरी पर, हाँ 1/4 inch का आप प्लीट्स दे सकते हैं। इस तरीके से आप प्लीट्स दे सकते हैं, ये इसकी तरह ऐसे। इस तरीके से प्लीट देते
जाए। ऐसे प्लेटेड बाजू बनेगी, इस टाइप की दिखेगी, और इसको हम पिन अप करते चले जाएंगे। मैं इसको आपको मैं इस बाजू को कंप्लीट करके दिखाती हूँ पिन से, फिर हम स्टिचिंग करेंगे। हम इस तरीके से गैदरिंग देंगे इसमें, ऐसे मोड़ मोड़ के फैब्रिक को प्लीज डालेंगे अपने हिसाब से। एक कोना फैब्रिक का ये एक पार्ट लेंगे ये ऐसे, और फिर इसको पिन अप करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा स्लीव का मिड पॉइंट है। और फिर हम इस पर हल्की हल्की सी प्लीट देंगे। बहुत ज़्यादा तो प्लीट्स नहीं आएंगी इस पर, थोड़ी थोड़ी आएंगी, तो हम वही थोड़ी थोड़ी प्लीट्स देंगे इस पर। ये हमारा मिड पॉइंट था, तो इसको हल्के हल्के ध्यान में रख कर के कि ज़्यादा मिड पॉइंट से इधर उधर ना हो, और फैब्रिक को भी ध्यान में रखना है। अभी ये अम्ब्रेला स्लीव जो है अभी बहुत ट्रेंड में है, लोग मार्केट में भी बहुत ट्रेंड में है ये चीज़, ये अम्ब्रेला स्लीव। अब अम्ब्रेला स्लीव भी है ब्लाउज़, टॉप, टी शर्ट, शर्ट सब में ये ट्रेंड यूज़ हो रहा है। वैसे बहुत अच्छा लुक देता है ये स्लीव्स। इसी की तरह ऐसे ही प्लीट दे दे करके हम सारा ये बनाएंगे। अब मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरे गाउन का अपर बॉडी बिल्कुल तैयार है, इसमें मैंने स्लीव्स वगैरह सब कुछ अटैच कर दिया है। गाउन के लोअर पार्ट को हम कैसे बनाएंगे और कैसे अटैच करेंगे ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।